हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नोमैडिक जर्नी। और आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सप्लोर बैंकॉक को, ओल्ड बैंकॉक को, बैंकॉक की रिवर साइड और वहां की फेमस कोसान रोड मार्केट। थोड़ा बहुत नाइट लाइफ दिखाने की कोशिश करूंगा, तो चलते हैं और करते हैं एक्सप्लोर बैंकॉक। अभी मैं हूँ सियाम और मैं आया था अरी से, अरी से सियाम आए, सियाम घूमे। अब यहाँ से जाना है हमें खरूम थोनपुर। छोटी बात की टिकट थी, टिकट मैंने ले ली, तो अब मुझे खरूम थोनपुरी इस साइड जाना है। तो देखते हैं कहाँ से रास्ता है, कहाँ से जा पाएंगे। सपन टैक्सी, यहाँ से मे बी जो बोट टूर है वो स्टार्ट होगा, देखते हैं। अभी तो नीचे चल रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं यहाँ से स्टार्ट होता है तो फिर बताता हूँ मैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं। वहाँ पर दो टाइप की बोट चलती है, एक तो टूरिस्ट बोट और एक टैक्सी बोट। तो मेरे को मेरे हॉस्टल वालों ने सलाह दी थी कि टूरिस्ट बोट में मत बैठना, टैक्सी बोट में बैठना। सो देखते हैं टैक्सी बोट कौन सी है और कहाँ से मिलेगी हमें टैक्सी बोट। जैसा कि इस वीडियो में आपने देखा कि मैं सियाम मार्केट से गया खरूम थोनपुरी, बट मुझे गलत किसी ने गाइड किया कि वहां जाना है, मुझे वहां नहीं जाना था। एक्चुअली में वो रिवर क्रॉस करने के बाद है वो मेट्रो स्टेशन, और मुझे उससे पहले जाना था। तो जिस मेट्रो स्टेशन में मुझे जाना था उसका नाम था सपन ताक्सिन। तो एक मेट्रो स्टेशन आगे जाने के बाद मैं फिर वापस आया और सपन ताक्सिन से मैंने बोट ली। तो दो तरह की बोट होती है, टूरिस्ट बोट और टैक्सी बोट। टूरिस्ट बोट बेसिकली वो होती है जैसे कि हम जैसे टूरिस्ट के लिए जो टूरिस्ट को घुमाते हैं, एक राउंड लगाएंगे और वापसी छोड़ देंगे। और टैक्सी बोट वो होती है जिसमें लोकल मतलब थाई पीपल ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो टूरिस्ट बोट में जाओ 300 बाट के समथिंग देकर, या फिर टैक्सी बोट में जाओ, जो कि मैं गया 15 बाट देकर। तो टैक्सी बोट में जाना ज़्यादा अच्छा है 15 बाट। दो लाइक मैं गया था ताक्सिन से लेके रजनी नाम से एक स्टेशन था वहाँ तक, और वहाँ से थोड़ा एक्सप्लोर किया, फिर कुसोन मार्केट गया। दिस टिकट ये 15 बाट की, और यहाँ मैंने पहले भी बताया दो टाइप की बोट चलती है, टूरिस्ट बोट एंड टैक्सी बोट। टूरिस्ट बोट की कॉस्ट अराउंड 200 बाट 300 बाट है, तो टैक्सी बोट की कॉस्ट 15-20 बाट होती है। तो मैंने टैक्सी बोट लिया, तो मैंने कैसा एक्सपीरियंस रहता है, सारे थाई पीपल ही लग रहे हैं इसमें टैक्सी बोट को। सपन ताक्सिन ये था रेल स्टेशन जहाँ से निकले, और अभी आया रजनी नाम से कोई जगह है। यहाँ पे मेरे को कोई आइडिया नहीं है यहाँ पे क्या चीज़ है, क्या चीज़ें कर सकता हूँ। बस इतना पता चला कि ये ओल्ड बैंकॉक का पार्ट है, तो आ गए एक्सप्लोर करने। तो 15 बात की टिकट थी जो कि ऑन एवरेज सही है, टूरिस्ट बोट में 200-300 बाट लग जाते हैं। तो करते हैं अब ये एक्सप्लोर करते हैं। ये जूस की बोतल ली है 12 बाट की, ये जूस की बोतल ली है 12 बाट की, और 7-Eleven से लिया अभी, बस यही पी के काम चलाते हैं। देन फिर ढूंढते हैं कॉफ़ी कोई, फिर बाद में कॉफ़ी पिएंगे। तो एक्सपेंसिव,
So now we are going to a market. What's the name? Khoshan. Khoshan market and Khoshan Road. काफी फेमस मार्केट है. आई एम डूइंग व्लॉगिंग इन हिंदी. सो काफी फेमस मार्केट है एंड इनको भी वहीं जाना था और 7-Eleven में मुझे मिले तो हम साथ जा रहे हैं अभी. व्हाट्स योर नेम? ली. ली. शी इज ली फ्रॉम वियतनाम. सो ये है द ग्रैंड प्लेस आइलैंड का. और ये 3 बजे बंद हो जाता है और इस टाइम 5 बज चुके हैं और मैं काफ़ी लेट हो गया यहाँ आने में. तो यही रीज़न है अभी यहाँ विजिट नहीं कर रहे. एंड सेकंड चीज़, यहाँ विजिट करने के एंट्री जो है वो काफ़ी महंगी है. अराउंड 200 baht है शायद या 500 baht है, वो डिपेंड करता है आप किस कंट्री से हो. तो अभी चलते हैं खोशान रोड एंड करते हैं एक्सप्लोर. वहाँ की नाइट लाइफ बता रहे हैं अच्छी है. लेट्स सी हेरिटेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. ओके, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ये बिल्डिंग है. काफ़ी प्यारी लग रही है यहाँ से. एंड उसके बराबर में वहाँ कोई टेम्पल है एंड यहाँ भी टेम्पल्स है बट अभी इसकी एंट्री बंद हो चुकी है. एंड मेरा वैसे भी हेरिटेज में कोई इंटरेस्ट नहीं था. जो जगह हमने घूमनी थी जितना एक्सप्लोर करना था वो मैं कर ही रहा हूँ तो इस चीज़ का मुझे कोई पछतावा नहीं है. बट इनको है कि इनको देखना था और ये नहीं देख पाए, लेट हो गए. कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम. एज यू कैन सी सिटी बस जो है वो यहाँ मर्सिडीज बेंज की चलती है. इंटरेस्टिंग यार, मर्सिडीज की सिटी बस. इधर तो वाइट कलर की ये बिल्डिंग है, डेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ थाईलैंड. सो रीच्ड खोशन रोड एंड यहाँ काफ़ी सारे इंडियन रेस्टोरेंट हैं. पहली बार थाईलैंड में इंडियन रेस्टोरेंट देखे और काफ़ी भीड़ है. ये दिल्ली के पहाड़गंज जैसा है कुछ कुछ. और मैं सुबह से ऐसी जगह की ही तलाश कर रहा था जहाँ इंडियन फूड वगैरह मिल जाए. और लाइक ये इंडियन फूड की इसलिए तलाश नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे इंडियन फूड खाने की ज़्यादा लाइक तलब हो रही थी. बट बात यह है कि मुझे कंटेंट चाहिए था. सो यू कैन स्टे हेयर. यहाँ पे काफ़ी सारे होटल है और इन्जॉय. ओके, सो वी आर इन गोल्डन टेम्पल राइट नाउ ऑफ थाईलैंड. काफ़ी फेमस टेम्पल है यहाँ का. तो चलते हैं और करते हैं. काफ़ी प्यारा लग रहा है. मे बी लो लाइट में वीडियो अच्छी नहीं आ रही होगी. अभी हमें गोल्डन टेम्पल और ये अभी बंद हो चुका है. हम लेट आए हैं, मे बी 5 बजे शायद बंद हो जाता है. बट काफ़ी अच्छी आर्किटेक्चर है. खोशन रोड बेसिकली एक जगह है जैसे कि दिल्ली का पहाड़गंज है उस टाइप से ही. तो ओवरऑल वहाँ का विजिट भी वर्थ था मेरे लिए. काफ़ी अच्छा था, इंडियन रेस्टोरेंट थे, इंडियन खाना आप ट्राई कर सकते हो. और इसके अलावा वहाँ पर लाइक डिस्क एंड क्लब्स है, आप पार्टी करना चाहो पार्टी कर सकते हो. मेरे को इतना पार्टी वगैरह में इंटरेस्ट नहीं था तो मैं गोल्डन टेम्पल जो कि वहाँ के नियर बाय है वो विजिट किया एंड मैं वापसी चला गया अपने हॉस्टल में. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना. कोई भी क्वेश्चन कोई भी सजेशन हो तो कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल ऐसी नई नई वीडियोस देखने के लिए. स्टे ट्यून्ड.